बात करते हैं लिम्फेडिनोपैथी की, ठीक है। यहाँ पे हम बात किसी करेंगे, लिम्फेडिनोपैथी की बात करेंगे। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने पैलर देख लिया, पिकल में पैलर, PICCLE पिकल था ना, पैलर देख लिया, एक्ट्रेस देख लिया, क्लबिंग देख लिया, साइनोसिस देख लिया। अब हम बात करेंगे अबाउट लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है। सो इट इज़ द एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स यार। तो हमारे पास जो मेन चार लिम्फ नोड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ठीक है, जिसको हम दो तरीके से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, एक हॉरिजेंटल ग्रुप एंड एक वर्टिकल ग्रुप, हॉरिजेंटल ग्रुप एंड वर्टिकल ग्रुप। हॉरिजेंटल ग्रुप को हम बोलते हैं एक्सटर्नल वॉल्डेयर्स रिंग। दूसरा जो है वो है हमारे पास एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, सर एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, है ना, एंड सुप्रा क्लेविकुलर एंड इंफ्रा क्लेवी क्लार ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, है ना। चौथा जो है वो है इंग्वाइनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स यार, इंग्वाइनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। यहाँ पे हम बात करते हैं दो तरीके की लिम्फ नोड्स की, एक है सुपरफिशियल, एक है डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। जो सुपरफिशियल है उसको भी हम यहाँ पे हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं, दो ग्रुप में होते हैं, एक हॉरिजेंटल ग्रुप और एक वर्टिकल ग्रुप, ठीक है। सो ये हमारे पास चार तरह के हमने बताया लिम्फ नोड के जो हमारे पास इन बॉडी में होते हैं, ठीक है। एक होता है एपी प्रोकेंट्रिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, उसकी भी बात करेंगे, है ना। बट हाँ, यहाँ पे सिग्निफिकेंट लिम्फेडिनोपैथी कब बोलेंगे यार? सिग्निफिकेंट लिम्फ एडिनोपैथी कब बोलेंगे? जो लिम्फ नोड है वो कब हमारे पास एनलार्ज हो गए हैं, ऐसा कब बोलेंगे? तो कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि अगर इंग्वाइनल लिम्फ नोड जो है उनका साइज अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर हो गया तो हम बोलेंगे यार इंग्वाइनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड क्या हो गया, लिम्फेडिनोपैथी हो गया, है ना। अगर सर्वाइकल या फिर एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स का जो साइज है इट इज़ मोर देन 1 सेंटीमीटर तो हम क्या बोलेंगे कि उनका सिग्निफिकेंट लिम्फेडिनोपैथी हो गया है। यहाँ पे एक्सिलरी के लिए मेनली 1.5 ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बट हाँ दोनों के लिए ये है ना। चौथा तीसरा जो है एपी प्रोक्लियर और सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड जो है, अगर साइज में अगर पालपेट हो रहे हैं किसी भी साइज तो हम क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट लिम्फेडिनोपैथी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जोड़ भी सकते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ लिम्फ नोड्स, तो क्यों छोड़ें भाई एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स को क्यों छोड़ें? ओके सो फिफ्थ लिम्फ नोड जो मिलते हैं वो कौन से हैं? एपी ट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो ये हो गया सिग्निफिकेंट लिम्फ एडिनोपैथी। नाउ एडिनोपैथी का कज क्या है भाई? कज क्या हो सकता है यहाँ पे? अगर हम बात करें अबाउट दी कजेस की, लिम्फ एनलार्ज क्यों हो गए लिम्फ नोड यार, तो दो तरह के एनलार्जमेंट हो सकता है, जनरलाइज्ड एंड नॉन जनरलाइज्ड, ठीक है। जनरलाइज्ड है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे, है ना। जनरलाइज्ड है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे भाई? हम देखेंगे कि मोर देन वन कंटिन्यूस ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, मतलब नॉन कंटिन्यूस ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड अगर इन्वॉल्व है तो ये हमारे पास हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे मोर देन वन नॉन कंटिन्यूस ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स अगर इन्वॉल्व हैं, सो इफ यस एंड एक है नो। अगर इन्वॉल्व हैं तो हम क्या बोलेंगे कि जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी है, एंड इन्वॉल्व नहीं है सो इट कैन बी, देखो जनरलाइज्ड है तो इसको क्या बोल सकते हैं कि सिस्टमिक डिसीज़ है, कोई लोकल डिसीज़ नहीं हुआ होगा, सिस्टमिक डिसीज़ हुआ होगा। एंड अगर जनरलाइज नहीं है तो या फिर सिस्टमिक डिसीज़ हो सकता है या फिर डिसीज़ ऑफ लोकल ड्रेनिंग एरिया यार, डिसीज़ ऑफ लोकल ड्रेनिंग एरिया। अगर हम बात करें सिस्टमिक डिसीज़ में तो यहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट हो सकता है। इन्फेक्शन्स में जैसे हम बात करें अबाउट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की यार, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट हो सकता है, लाइक इन द केस ऑफ TB, इन केस ऑफ टाइफॉइड, इन केस ऑफ सिफिलिस, वायरल इन्फेक्शन में यहाँ पे लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट हो सकता है, लाइक इन केस ऑफ एप्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन अगर हो गया,
HIV का इन्फेक्शन हो गया, कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शंस में यहाँ पे एनलार्जमेंट हो सकता है लाइक इन केस ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस, है ना। फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो इन केस ऑफ हिस्टोप्लाज्मोसिस, क्योंकि हमारे पास कुछ इन्फेक्शियस डिसीज जहाँ पे जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिल सकता है ना। हमारे पास इन्फेक्शंस के अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेज भी हैं यार, जिसके वजह से हमारे पास लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिल सकता है, लाइक इन केस ऑफ SLE, सार्कोइडोसिस, जोग्रेन सिंड्रोम, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, सार्काइडोसिस, जोग्रेन सिंड्रोम, कुछ मेलिग्नेंसीज हैं दैट इज नियोप्लाज्म के अंदर भी हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है, लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट लाइक इन केस ऑफ लिम्फोमास, इन केस ऑफ ल्यूकीमियाज, कुछ ड्रग्स की वजह से भी यहाँ पे जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिल सकता है, लाइक फेनिटोइन कर्स करता है यार यहाँ पे, फेनिटोइन कैन कर्स जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, एस इनहिबिटर्स लाइक कैप्टोप्रिल, इनारापिल, ये सब नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, कार्बामाजिपिन, ये भी क्या कर सकते हैं हमारे पास जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी कर सकते हैं। तो ये हमने बात की अबाउट सिस्टमिक डिसीजेज जहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिल सकता है। नाउ अगर हम बात करें कि डिसीजेज ऑफ लोकल ड्रेनिंग एरियाज, जहाँ पे अगर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की बात करें तो सर्वाइकल लिम्फ नोड में कुछ डिसीजेज हैं जो कि लोकल ड्रेनिंग एरिया पर अफेक्ट करती हैं। सो सबसे पहले तो यहाँ पे पहले तो हम बात करें अबाउट दी सर्वाइकल लिम्फ नोड्स यार, तो पहली बात करेंगे हम सर्वाइकल लिम्फ नोड्स का कौन कौन से डिसीजेज हैं जो कि सर्वाइकल लिम्फ नोड के ड्रेनिंग को अफेक्ट कर देती हैं। सो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स की बात करें तो कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं यार, जैसे कि हम बात कर सकते हैं अबाउट टॉन्सिलाइटिस। सो कुछ इन्फेक्शन है जहाँ पे लोकल ड्रेनेज ठीक से नहीं हो पाता, जिसके वजह से इनलार्जमेंट हो जाता है, लाइक इन केस ऑफ टॉन्सिलाइटिस, इन केस ऑफ फेरेंजाइटिस, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ नोज में अगर कुछ दिक्कत हो गया तो इन केस ऑफ TB। ये न्योप्लाज्म की बात करें तो कुछ न्योप्लाज्म कंडीशन है जहाँ पे जो लोकल ड्रेनिंग एरिया है वो यहाँ पे अफेक्ट हो जाती है, जिसके वजह से एनलार्जमेंट हो जाता है, लिम्फेडिनोपैथी हो जाता है, लाइक इन केस ऑफ टॉन्सिलर कार्सिनोमा, इन केस ऑफ नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा, इन केस ऑफ लेरेंजियल कार्सिनोमा, इन केस ऑफ थायराइड कार्सिनोमा, इन केस ऑफ लंग कार्सिनोमा, ये सर्वाइकल लिम्फ नोड यहाँ पे एनलार्ज हो जाते हैं। दूसरा जो है वो है हम बात कर सकते हैं अबाउट एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड क्यों एनलार्ज हो जाते हैं यार यहाँ पे लोकली, है ना। तो वो हो सकते हैं बिकॉज ऑफ कुछ इन्फेक्शंस एंड मेलिग्नेंसीज की बात कर सकते हैं, इन्फेक्शंस लाइक यहाँ पे बात कर सकते हैं अबाउट लिम की इन्फेक्शन कोई हो गया, अगर है लिम में इन्फेक्शन हो गया तो इसके केस में भी एक्सिलरी लिम्फ नोड यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, मेनली अपर लिम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ब्रेस्ट में यहाँ पे एप्सिस का फॉर्मेशन हो गया सो उसकी वजह से भी यहाँ पे एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इनलार्ज हो सकते हैं। कुछ मैग्नेंसीज हैं लाइक सम नियोप्लाज्म यार, जिसमें हम बात कर सकते हैं अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर मेलिग्नेंसी ऑन लिम की बात करें तो कुछ लिम में मैग्नेंसीज लाइक अगर मेलेनोमा हो गया है तो जो एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है वो यहाँ पे एनलार्ज हो सकते हैं। तो हमने बात की कौन कौन से केसेस में लोकलाइज एक तरह से, है ना, जनरलाइज नहीं है, लोकलाइज है, एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे। ना कुछ केसेस में यहाँ पे सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स भी एनलार्ज हो सकते हैं, तो कौन कौन से केसेस हैं यार जो सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट कर देगा, है ना। इट इज़ सुप्राक्लेविकुलर एनलार्जमेंट, जब लेफ्ट साइड का एनलार्जमेंट इसको बोलते हैं ट्रोजियर साइन। सो
एनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड, दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रोसियर साइन, जो कि हमको कब देखने को मिल सकता है, इन केसेस ऑफ ब्रेस्ट मैलिग्नेंसीज, इन केसेस ऑफ लंग मैलिग्नेंसी, इन केसेस ऑफ जीआई मैलिग्नेंसी ना। अगर हम बात करें ब्लेडर कार्सिनोमा की, तो उसमें यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलता है यार, है ना, गोनोडल मैलिग्नेंसीज की बात कर सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड का एक तरह से लोकलाइज एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि लिंगुइनल लिम्फ नोड किस किस केसेस में एनलार्ज हो जाते हैं, तो जो इंग्वाइनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं, दे कैन बी, जो हमको पता है दो तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है यार, ठीक है। सो इंग्वाइनल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल है वो यहाँ पे कहाँ कहाँ से ड्रेन करता है, स्क्रोटम से ड्रेन करता है, एनस से ड्रेन करता है, दैट इज एनस बिलो डेंटिल लाइन, एंड इट ड्रेन्स फ्रॉम पेरिनियम, एंड ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया से यहाँ पे ड्रेन करता है। बट जो वर्टिकल जो लिंगुइनल लिम्फ नोड है, ये इट ड्रेन्स फ्रॉम दी लोअर लिम। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास अगर बात करें कि एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स कब एनलार्ज हो जाते हैं, उनका लोकलाइज एनलार्जमेंट कब देखने को मिलता है, एपी ट्रोक्लियर लिम्फ नोड्स, इनका कब जो लोकलाइज एनलार्जमेंट देखने को मिलता है भाई। सो इन केसेस ऑफ व्हाट, यहाँ पे जैसे अब इसमें ये कहाँ पे होते हैं उनकी बात करें, तो सुप्रा ट्रोक्लियर यार, देखो इट इज़ 5 सेंटीमीटर एबव दी ट्रोक्लिया ऑन मीडियल एस्पेक्ट ऑफ आर्म, कैन बी इन केस ऑफ सिफिलिस यार, सिफिलिस के केस में एपिट्रोक्लियर लिम्फ नोड एनलार्ज आते हैं, इन केस ऑफ कैट स्क्रैच डिसीज, ठीक है। हम पता कैसे करेंगे, देखो कि इक्टियोलॉजी को कैसे गेस करेंगे, क्या क्या कारण की वजह से हो सकता है एग्जामिनेशन के थ्रू, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो हाउ टू गेस, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की कौन से लोकलाइज है तो क्या हो सकता है कारण, जनरलाइज है तो क्या क्या हो सकता है कारण, वो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। नाउ हाउ टू गेस इटियोलॉजी ऑन एग्जामिनेशन, ठीक है। हाउ टू गेस इटियोलॉजी ऑन एग्जामिनेशन, मैं सबसे पहले का देखो, टेंडरनेस प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, वो सब चीज़ हम क्या बोल सकते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज है कि नहीं, कोई इन्फेक्शियस कस तो नहीं है, वो टेंडरनेस, दैट इज टेंडरनेस मतलब पेन ऑन टच, ठीक है। सो टेंडरनेस है कि नहीं, उससे क्या पता लगा सकते हैं, इट इज इन्फेक्शियस डिसीज तो नहीं है, वो यहाँ पे पता कर सकते हैं यार, ठीक है। दूसरा है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी यहाँ पे अगर तीन तरह के हो सकते हैं, हार्ड कंसिस्टेंसी तो मोस्टली क्या होते हैं यार, मैलिग्नेंसीज होते हैं, है ना। एंड अगर ये सॉफ्ट है या फिर फर्म है, सॉफ्ट है या फिर फर्म है, तो ये क्या हो सकता है, नॉर्मल है, नॉर्मली लिम्फ नोड ऐसे होते हैं, सॉफ्ट या फिर फर्म, या फिर कुछ इन्फेक्शंस में भी हो सकते हैं एंड ऑटो इम्यून डिसीजेज में ना। अगर लेकिन रबरी हो गए, जो लिम्फ नोड है वो रबरी हो गए, तो हो सकता है कि हॉजकिंस लिम्फोमा हो, बिकॉज हॉजकिंस लिम्फोमा में एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो हमारे पास हॉजकिंस लिम्फोमा है, वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो लिम्फ नोड है वो कैसे होते हैं, रबरी हो जाते हैं। एंड अगर डिस्क्रिट्स या फिर मैटेड लिम्फ नोड्स हैं, तो ये टीबी के केसेस में देखने को मिलते हैं यार। हम बात करेंगे अगर मोबिलिटी की, ठीक है, तो जो मोबिलिटी है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है,
इन केस ऑफ मेलिग्नेंसीज, तो अगर मोबिलिटी डिक्रीज है तो हम बोल सकते हैं कि चांसेस हैं कि मेलिग्नेंसी हो गया हो, या फिर इट ऑल्सो डिक्रीजेस इन केस ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन यार, ठीक है, तो कुछ क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकते हैं लाइक इन टीबी, सो ये सब यहाँ पे हम ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने बात की थी हाउ टू गेस सीटोलॉजी ऑन एग्जामिनेशन, कुछ कजेस की बात की, लोकलाइज लिम्फ नोड के एनलार्जमेंट है, फिर एडिनोपैथी है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, जनरलाइज में क्या क्या कारण हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट लिम्फ एडिनोपैथी किसको बोलेंगे और क्या क्या लिम्फ नोड्स हमारे बॉडी में होते हैं, एनलार्जमेंट जिसको हम देखते हैं यार इंपॉर्टेंट है जनरल एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन करना सब बता देंगे, बट जो याद रखनी है वो हमको यहाँ पर बात करनी है, ठीक है। नोट्स उसी चीज़ का बनाया जाता है, इसको याद किया जाता है, याद करना होता है।